बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल देसी एंड फॉर देसी फूड विद आमना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। पर नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन लजानिया रोल्स अप। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनेंगे। मैंने ऑलरेडी लजानिया जो है आपको बताया था बना के, इसके हमारे 3 स्टेप्स हैं और हमें 3 स्टेप्स में क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा लज़ानिया शीट्स चाहिए होंगी हमें, इसे हम सेपरेट बॉईल करेंगे। फिर सेकंड स्टेप होगा हमारा जिसमें हम ये यूज़ करेंगे मीट, यानी आप चाहे मीट में चिकन ले लें, मटन ले लें या बीफ का कीमा ले लें। मैंने मटन का कीमा लिया हुआ है। इसमें मैं सिर्फ डालूँगी ये प्याज और ये लहसुन, ये मैंने फाइन चॉप किया हुआ है। और साथ में इसमें मैं डालूँगी टमाटो प्यूरी। ये टमाटो प्यूरी बड़ी इजी है, आप टमाटर को ग्राइंड करके तो उसको पकाएं और उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लें तो टमाटो प्यूरी तैयार हो जाएगी। और इस पे मैं यूज़ करूँगी सॉल्ट और वाइट पेपर का। थर्ड स्टेप हमारा होगा, हमने वाइट सॉस बनानी है, जिसमें हमने वाइट सॉस में यूज़ करना है ये मैदा है 2 टेबल स्पून और ये 1 टीस्पून मैंने जो है इसमें लिया हुआ बटर और ये 1/2 लीटर मैंने जो है ना मिल्क लिया हुआ है। इसमें मैं यूज़ करूँगी ये वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च और नमक और बाकी ये हर्ब्स हैं जिसमें थाइम है, ओरिगैनो और रोजमेरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा, मैंने देखिए मैं पानी लिया। सबसे पहला स्टेप है मेरा जो कि मैंने बॉईल करनी है लज़ानिया शीट्स, ये मैंने 1 टीस्पून मैंने डाल दिया सॉल्ट और पानी मैंने। अब इसको जैसे ही बॉईल यानी उबाल आएगा तो मैं इसमें लज़ानिया शीट्स डाल दूँगी। पानी बॉईल हो गया तो अब मैं इसमें लज़ानिया शीट 1 बाय 1 करके डालूँगी, एक साथ नहीं डालूँगी। आप इस तरीके से आराम आराम से इसको डालते जाएँ, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे ताकि जो लज़ानिया शीट्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। अब इसको अच्छे से हम जब पक जाएगा तो फिर हम इसको स्ट्रेन करेंगे और ठंडे पानी में डालेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, तो मैं इसमें जो है ये 2 टीस्पून के एक बराबर जो है ना ऑयल इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि लज़ानिया शीट एक दूसरे के साथ जुड़े ना। ये मैंने इसे चेक की, ये परफेक्टली जो है गल चुका है तो मैं इसको स्ट्रेन करने लगी हूँ। ठीक है, मैंने लज़ानिया जो है ना शीट और इसके नीचे आप देख रहे हैं ठंडा पानी है। मैंने अब इसे ठंडे पानी में शीट्स को रख दी है ताकि एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं और जो प्रोसेस है कुकिंग का वो बिल्कुल स्टॉप हो गया। गर्म पानी डिस्कार्ड किया और ठंडा पानी इसमें मैंने डाल दिया। अब मैं सेकेंड स्टेप करूँगी, कीमा बनाऊँगी। अच्छा, मैंने ऑयल ले लिया, ये देखिए मैंने 1/2 कप ऑयल लिया। अब इसमें मैं पहले प्याज जो मैंने चॉप किए थे वो डालूँगी। अच्छा जी, प्याजों को आपने कोई गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट ट्रांसप्लेंट होंगे जैसे ही थोड़ा सा वो सौते होते हैं ना तो उसी वक्त आपने इसको जो है निकाल, इसमें जो है कीमा यानी कि मटन का जो कीमा हमने लिया हुआ है 1/2 kg वो डाल देना है। अच्छा, ये अब हो गया हमारा इतना कि बस अब हमने इसमें अब हम जो कीमा आपको मैंने बताया है मटन का वो मैं अब इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। तो अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे पहले इसको, फिर इसके बाद हम इसमें लहसुन जो है चॉप हमने किया था वो डालेंगे। अच्छा, ये देखिए कीमे का कलर भी चेंज हो गया है, वो अच्छे से जो है ना हमने इसको जो है ना जो थोड़ा सा जुड़ा हुआ था फ्रीज था इसलिए वो भी खुल गया और साथ में कलर भी चेंज हो गया। अब इस स्टेज पे मैं लहसुन डालूँगी। अच्छा, ये जो मैंने फाइन चॉप करके लहसुन रखा था वो मैंने डाल दिए। अब हम इसे भूनेंगे और इसमें बाद थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें 1/2 कप जो है ना हम इसमें पानी भी डाल देंगे, इससे कीमा भी अच्छे से गल जाएगा और जो हमने लहसुन डाला है वो भी अच्छे से गल जाएगा। और फिर हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और बाकी के स्पाइसेस फिर हम इसमें डालेंगे जब ये पानी ड्राई होता है। तो गलने के लिए रख दिए इसमें पानी डाल के थोड़ा सा, जैसे ही पानी भी ड्राई होगा तो अब मैंने एक और सॉस पैन लिया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ बटर जो मैंने आपको बता दिया दिखाया था कि मैंने 2 टीस्पून बटर लिया है। इसे मैं इसमें मैं अब जो मैंने 2 टीस्पून मैंने मैदा लिया था वो डाल के मैं इसे भूनूंगी। अच्छा, बटर मेल्ट हो गया, ये जो 2 टीस्पून मैंने मैदा लिया था ये मैं अच्छी तरह से इसके अंदर इनको इसको भूनने लगी हूँ। अच्छा, मैंने बटर डाला था और उसके साथ में मैंने मैदा डाला था, 2 टीस्पून बटर था, 2 टीस्पून ही मैंने डाला था मैदा। इसको मैंने अच्छे से भुनाई कर लिया है। अब इसमें मैं दूध डालूंगी। वाइट सॉस में आपको मैंने लज़ानिया जब मैंने लास्ट टाइम भी बनाया उसमें भी उसमें मैंने थोड़ी वेजिटेबल्स यूज़ की थी, ये थोड़ा उससे डिफरेंट मैंने किया है और ये वैसे भी लज़ानिया रोल्स अप है। अब इसमें मैं इस स्टेज पे मैं दूध डालूंगी। अच्छा, दूध आप डालते जाएँ थोड़ा थोड़ा करके और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएँ ताकि इसमें कोई घुटनी ना बने। आप विस्कर ही यूज़ करें। 1/2 लीटर मैंने लिया था, पहले मैंने थोड़ा सा डाला है। मैं पहले इसको मिक्स अच्छे से कर लूँ, ये गुटलियाँ ख़त्म करूँ, फिर इसमें मैं और दूध डालती हूँ।
अच्छा इसमें ये मैं बाकी का भी दूध, हाफ लीटर पूरा दूध मैंने यूज़ किया है, ठीक है आप भी हाफ लीटर ही लें क्योंकि इतनी क्वांटिटी जितनी मैंने आपको बताई है। अब इसमें मैं वाइट पेपर और सॉल्ट मिक्स करूँगी। अच्छा अब इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल दिया मैंने, इसमें वाइट पेपर भी हाफ टी स्पून डाल दें आप। अब ब्लैक यूज़ कर सकते हैं लेकिन वाइट सॉस है तो मैं हमेशा इसमें वाइट सॉस में वाइट पेपर ही यूज़ करती हूँ और सॉल्ट। इसके साथ मैं कुछ हर्ब्स डालूँगी जो है, थोड़ा सा आप डालें ये मिक्स हर्ब्स हैं जिसमें रोज़मेरी है और ओरिगैनो है और थाइम है। चीज़ भी मैंने डाल दी है, अब इसको अच्छे से विस्क करूँगी ताकि ये चीज़ जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा इसमें थोड़ी थोड़ी सी अभी जो है ये इस फॉर्म में है चीज़, इसको पूरी तरह हमने इसके अंदर मेल्ट करना है, ठीक है। तो चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा और साथ में हमारी सॉस भी थिक हो जाएगी, तो इसीलिए में हमने जो कीमा रखा है वो भी निकल जाएगा, हम फिर कीमे को तैयार करेंगे। अब हम बस इस चीज़ के मेल्ट होने का इंतज़ार करें। अच्छा ये देखें, ये हमारी सॉस जो है बिल्कुल इतनी हमें जितनी थिकनेस चाहिए उसमें ये उस कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। अब मैं इसे फ्लेम से हटा रही हूँ। अच्छा देखिए कीमे का पानी जो है ना तकरीबन हमारा जो है वो ड्राई हो गया। अब इस स्टेज पे मैं कीमे में ये सॉल्ट डाल रही हूँ और इसमें सिर्फ मैं रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून में डाल रही हूँ फिलहाल। थोड़ा सा मैं वाइट पेपर भी यूज़ करूँगी इसमें, और कोई और स्पाइसेस नहीं जाएंगे, हर्ब्स जाएंगी और साथ में वाइट पेपर। अच्छा इसमें थोड़ी सी ये वाइट पेपर मैंने डाल दी है हाफ टी स्पून, और इसके साथ मिक्सड हर्ब्स मैं डाल रही हूँ जिसमें ऑरिगैनो और जो है अगर आपके पास फ्रेश बेजिल लीव्स हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास फ्रेश नहीं है तो मैं इसमें ड्राई हर्ब जो है मिक्स हर्ब यूज़ कर रही हूँ। अच्छा अब इस स्टेज में ना मैं डाल रही हूँ ये जो मैंने आपको कही थी कि आपने प्यूरी अगर है कि आपने टमाटरों को जो है ग्राइंड करना है उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना तो वो टमाटरों की प्यूरी रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से 5 मिनट्स भूनेंगे तो फिर हमारा कीमा भी रेडी हो जाएगा। अच्छा ये हमने शीट ली है, सबसे पहले आप एक शीट रखेंगे, इसके बाद जो आपने वाइट सॉस रेडी की है वो लगाएंगे। अच्छा ये वाइट सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लें इसके अंदर, इसमें इतना कोई नहीं है, रफली सा स्प्रेड करें क्योंकि हमने इसका रोल्स अप बनाने हैं तो रोल हो जाएगी ये, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर हमने जो कीमा रेडी किया है उसकी लेयर लगाएं, इस कीमे को भी स्प्रेड कर लें, ठीक है अच्छे तरीके से सारा, क्योंकि इसने रोल हो जाना है इसलिए इनफ है कि हम 1 टेबल स्पून जो है इसमें फिल करें, ठीक है। अब हम इसको रोल करेंगे। अच्छा अब इसको इस तरीके से आप इस तरीके से ऐसे रोल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर सॉस या थोड़ा सा आपका कीमा जो है वो निकल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे जो है ना रोल सब बनाएंगे। अच्छा ये बेकिंग मैंने ट्रे ली हुई है, ठीक है इसके अंदर मैं बेक करूँगी। मैंने देगचा ऑलरेडी प्री हीट होना रख दी है, मैं देगचे में बनाऊँगी, सब हैलोजिन में नहीं मैं बना रही हूँ। इसमें आप नीचे जो है ना कीमे की लेयर थोड़ी सी लगाएं। अच्छा इसको इस तरीके से कीमे को आप जो है ना अच्छी तरीके से इसके नीचे स्प्रेड कर दें, ठीक है। और जो मैंने आपको लज़ानिया को रोल करने का तरीका बताया वो सारे रोल करके तो हम इस कीमे वाले प्लेट के ऊपर रखते जाएंगे। अच्छा देखें लज़ानिया रोल्स अब मैंने सारे जो हैं बना के मैंने इस डिश के अंदर लगा दिए हैं, लज़ानिया रोल्स अब जो है ना वो बना के मैंने डाल दिए हैं। अब इसके बाद सेकंड स्टेप जो है मेरा ये होगा कि जो मैंने थोड़ा सा कीमा मेरा बचा है वो मैं हर एक के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा यूँ स्प्रिंकल कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर दूसरी चीज़ जो मैंने वाइट सॉस रेडी की थी वो भी मैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से जो है ना थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ और इसको अच्छे से जो है ना सेट कर दूँगी मैं। अच्छा अब इसके ऊपर जो मैंने मोज़रेला चीज़ जो है मैंने आपको बताया था डालना है वो अब आप इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ सारा डाल दें, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको चीज़ पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको फुल कवर करूँगी चीज़ के साथ। अच्छा मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दी, अब इसके ऊपर मैं ये फॉइल के साथ इसे कवर करके तो डाल दूँगी, ठीक है। इसको हम 15 मिनट के लिए प्री हीटेड डिश में रखेंगे ताकि ये इसका जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए चीज़। मैंने लज़ानिया निकाल ली है डिश में से, अब हम इसको देखते हैं। हमारा मज़ेदार सा लज़ानिया रोल सब रेडी है, बहुत यमी है, मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए परफेक्ट लज़ानिया रोल्स अब हमारे रेडी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये लेयर देखें ये सारा, और इसको खाना भी बहुत इजी है। मतलब ये वो लज़ानिया शीट्स जब सेपरेट होती हैं तो वो थोड़ा सा खुल जाता है, लेकिन ये लज़ानिया रोल्स अब हैं इनको बहुत यमी है, बहुत टेस्टी है।
ये देखिए मैं आपके सामने इसको कट करके, ये देखिए किस तरह से, ये देखिए मज़ेदार सा लज़ानिया रोल्स अब हमारा रेडी है। मैं टेस्ट करके बता रही हूँ, बहुत ही यमी है ये, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।